हेलो दोस्तों, हम सभी ने पिछले जन्म के किस्से और पुनर्जन्म से जुड़ी कहानियाँ कई बार सुनी होंगी और हम में से किसी ने इनको बनावटी कहानियाँ कहा होगा तो किसी को इनके बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी जरूर हुई होगी। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और आप क्या एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी सत्ते में आ गए थे कि शांति देवी और उनके पिछले जन्म का आज भी कोई कनेक्शन है? इस केस को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने जांच एजेंसी भी बिठाई थी और जब इससे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब लोगों को पता लगा शांति देवी और उनके अतीत की कहानी के बारे में। दिल्ली की शांति देवी जब महज 4 साल की थी तभी उन्हें उनके पिछले जन्म की यादें परेशान करने लगी थी। दिल्ली में रहने वाली शांति देवी का कहना था कि उनका घर मथुरा में है और वहां उनका पति केदारनाथ चौबे उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने मथुरा में अपने गांव के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें बताई जिन पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि महज 4 साल की उम्र में जिसने अपना गांव भी ठीक से नहीं देखा था वो मथुरा के एक गांव के बारे में इतने विस्तार से कैसे बता रही है, मानो जैसे वो वहीं पली बड़ी हो। जब परिवार वालों ने उसकी ये सारी बातें नजरअंदाज कर दी तो वो मात्र 6 साल की उम्र में घर से भागकर मथुरा चली गई थी। और जब उसका एडमिशन स्कूल में करवाया गया तो वहां सबको वो यही कहती थी कि वो एक शादीशुदा औरत है और एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जब स्कूल के टीचर्स और बच्चों से बात की गई तो पता चला कि वो सभी से मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बात करती है और बार बार अपने पति केदारनाथ चौबे का नाम लेती है। स्कूल के हेडमास्टर का कहना था कि उस घटना के बाद उन्होंने मथुरा में रहने वाले केदारनाथ चौबे को भी ढूंढ निकाला था जिनकी पत्नी लुगड़ी देवी की मौत बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के बाद ही हो गई थी। फिर केदारनाथ और उनके बेटे को दिल्ली भी बुलाया गया था। शांति देवी के सामने उन दोनों को अलग अलग नामों से पेश किया गया लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि वो लुगड़ी देवी का परिवार है। शांति देवी ने केदारनाथ को कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताया जिसे जानने के बाद केदारनाथ को ये विश्वास हो गया कि वो उसकी पत्नी लुगड़ी देवी ही है। इसके बाद इस मामले को महात्मा गांधी के पास ले जाया गया जिसके लिए महात्मा गांधी ने एक एजेंसी बुलाई और इस केस की जिम्मेदारी उस एजेंसी को दी और उसके बाद जांच अधिकारी शांति देवी के साथ मथुरा गए और उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में पता चला जिसका कनेक्शन शांति देवी के पिछले जन्म से ताल्लुक रखती थी। शांति देवी वहां के काफी लोगों और जगहों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लुगड़ी देवी और केदारनाथ के रिश्तेदार और सबके घर का पता शांति देवी को बहुत अच्छी तरह से याद था। शांति देवी का कहना था कि लुगड़ी देवी के मरने से पहले केदारनाथ ने लुगड़ी देवी से बहुत सारे वादे भी किए थे लेकिन उन वादों को केदारनाथ आज तक पूरा नहीं कर पाया है। आखिर में जांच एजेंसी ने भी सारी छानबीन के बाद यही बताया कि लुगड़ी देवी ने शांति देवी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। शांति देवी ने कभी शादी भी नहीं की और खुद को साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। आखिरी इंटरव्यू उन्होंने अपने मरने से महज 4 दिन पहले दिया था जिसमें उन्होंने लुगड़ी देवी का दर्द बयान किया था। तो ये थी शांति देवी उर्फ लुगड़ी देवी की कहानी। इसी तरह के और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।